कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की गोल्ड पदक जीतने वाली महिला वेटलिफ्टर संजीता चानू डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का कहना है कि डोप टेस्ट में उनका रिजल्ट पॉजिटिव पाया गया है। बता दें कि संजीता के सैंपल में एनाबॉलिक स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन नाम का ड्रग पाया गया है जो कि बैन किया जा चुका है। संजीता चानू को इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन IWF ने उन्हें अस्थायी रूप से सस्पेंड करने की बात कही है। एंटी डोपिंग नियम का उल्लंघन करने पर उन्हें ये सजा मिली है। हालांकि इस बात को लेकर अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो ड्रग उनके सैंपल में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान मिला है या फिर किसी और प्रतियोगिता के दौरान पाया गया है। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने डोप परीक्षण नमूना लेने की तारीख का कोई जिक्र नहीं किया है और कहा है कि IWF को समाप्त होने तक इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जाएगी। बता दें कि गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुए 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टर संजीता चानू ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। संजीता ने 53 किलोग्राम की कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने स्नैच राउंड में पहले प्रयास में 81 किलोग्राम का वजन उठाया, दूसरे प्रयास में 83, जबकि तीसरे प्रयास में संजीता ने 84 किलोग्राम का वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड बना दिया था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से वरुण चौबे की रिपोर्ट।